इनफैक्ट आना नहीं चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि मम्मी की एंजियोप्लास्टी हुई। एंजियोप्लास्टी जाते हैं तो एंजियोप्लास्टी करते हुए एक्चुअली मम्मी को दो ब्लॉकेजेस डिटेक्ट हुए थे, एक 99% 65%। तो डॉक्टर मिस्टर एक डॉक्टर थे तो उन्होंने उनको बोला था कि बाईपास करना तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो एंजियोप्लास्टी करने के लिए कभी इनकम नहीं थी उसकी, तो करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद क्या हुआ कि उनको हेल्थ इश्यूज इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि जॉइंट की रिप्लेसमेंट आपको पता होगा है, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कितना खर्चा होता है कुछ आइडिया आपको? 6 लाख से 8 लाख। मुझे भी हमारे फैमिली डॉक्टर ने 8 लाख रुपए बोले थे, तो आप जान सकते हो 8 लाख, सिर्फ 8 लाख है मेरे पास। तो कहने का मतलब ये कि 6 महीने मेरे मम्मी को ऐसे ही बोलो ना कि नहीं थे पैसे तो क्या कहे तुम लोग। तो मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त मिस्टर रविंद्र पाटिल के लिए मैं थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इसके बारे में बार बार बताना शुरू किया। आपको भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा यहाँ पर? यस राइट। तो वो आपके वेलविशर है जितना ही बोल सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश की थी कि मैं फूड सप्लीमेंट मेरी मम्मी को दे पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब में हो आपके सर पर लाइबिलिटी है, तो आप वो बात सुन पाओगे? मैंने भी नहीं सुनी सर किया था। 6 महीने मैंने ऐसे उस चीज को लेट गो किया था, लेकिन उसका मतलब कि रिजल्ट यह हुआ कि मम्मी को नी रिप्लेसमेंट करने की नौबत आई, तो वो तो नहीं कर पाए। लेकिन यह सिस्टम से आगे जाकर हम देखेंगे जो प्रोडक्ट दिए गए थे कैल्शियम और ग्लूकोज में, वो तो मैजिकल प्रोडक्ट थे जिससे मेरे मम्मी को रिलीफ मिला 6 महीने में। और वहां से मेरी सोच बनी कि मैं इसको एज ए बिजनेस के तौर पर नहीं, जैसे एक सामाजिक कारण, क्योंकि मेरे मम्मी को रिजल्ट आया था तो मैंने सोचा था कि मेरे और दोस्तों को या फैमिली फ्रेंड्स में इसको बताओ। ठीक है, तो हम देखेंगे MWW मिलीनियर वर्ल्ड वाइड। मिलीनियर का मतलब कोई बता सकता है मुझे? नए लोग कितने यहाँ पर पहली बार फर्स्ट है, तो हमको इनके लिए क्या करना पड़ेगा? नए लोगों से मैं स्पेशली पूछना चाहूंगा मिलीनियर का मतलब क्या होता है सर? कोई नए लोगों में से बताएगा? यस मैम। यस एब्सोल्युटली मैम के जोरदार ताली। मैडम से सुनते हैं एनर्जी हाई है ना, तो हाई होनी चाहिए। यस यस, और कोई बता सकेंगे इसका और हर एग्जांपल मिलीनियर का मतलब क्या होता है? मैम ने तो बता दिया, और कोई? चलो मैं बता देता हूँ मिलीनियर का मतलब है। ये मिलीनियर वर्ल्ड वाइड मतलब क्या है? जो करोड़पति लोग होते हैं ना उनका एक संगठन है ना? तो मिलीनियर वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है, यहाँ पर लिखा है इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। जनरली बेसिकली अगर हम लोग को ला देते हैं और लोग भी आएंगे ऑन द वे होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है नए लोगों से स्पेशली कि मैम अगर मैं आपको पूछूं आपका एक ड्रीम है तो वो क्या हो सकता है? कैन यू शेयर प्लीज? आपका ही कोई भी ड्रीम हो सकता है? ट्रैवल, मतलब आपको घूमना फिरना पसंद है। ग्रेट, मैम के लिए जोर बात है। मैम आपको पूछ सकता हूँ आपका ड्रीम? तो क्या आपको खुद का एक ऑफिस लॉन्च करना है? कोई बात नहीं, और कोई नए लोगों में से आपसे हाथ उठाया था? हेलो, आपको क्या पता था? आपका एक ड्रीम? मैं एक बिग डीलर और बिग प्रोडक्शन प्लांट चलाना था। ओके, मतलब आपको बिजनेस करना है डायरेक्टली। वेरी गुड सर, आपका घर चाहिए सर? आप बंगलो? वेरी गुड। लेकिन मैं अभी जो आगे स्लाइड करने जा रहा हूँ उस पर आपको आपके ड्रीम्स लिख जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं जैसे हमने बताया एक ब्यूटीफुल होम है, फिर उसके बाद ग्रीन कार होनी चाहिए, गोल्डन एंड डायमंड लोगों को पसंद है, फिर बाद एक्स्ट्रा इनकम, मोर स्पेंड टाइम टू फैमिली के लिए, और उसके बाद बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है ना, वेकेशन एब्रोड जैसे भी मैम ने बताया कि वेकेशन घूमना पसंद है किसी को, तो हम घूमने फिरने कहाँ जाते हैं बेसिकली? बेसिकली हम घूमने फिरने कहाँ जाते हैं? माथेरान, महाबलेश्वर, लोनावला, गोवा हो सके तो। लेकिन घूमना फिरना किसी को पसंद है यहाँ पर? yes, पासपोर्ट कितने लोगों के? वेरी गुड, बहुत लोगों के। वेरी गुड, अच्छा
मतलब किसी किसी को बिलीव भी नहीं होता कि मैं घूमने फिरने जाऊंगा, नहीं तो पासपोर्ट बना ही कर दो, ऐसा हो जाता है। तो वैकेशन अब्रॉड में बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम हो जाए किसी किसी का। फैमिली सिक्योरिटी है ना, आगे हम देखेंगे इसमें फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है। रिकग्निशन हर किसी को अच्छा लगता है ना, रिकग्निशन का मतलब क्या कि मान सम्मान, हर किसी को लगता है कि मुझे लोगों ने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीजें है बेसिकली हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। जॉब कितने लोग करते हैं मेरी तरफ, 1 2 3 4 5, बाकी के लोग जी मैं भी। अच्छा जॉब पे कन्फर्म ना सर, ग्रेट। तो जॉब लोग करते हैं ठीक है। तो मुझे बताइए ये जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या जॉब से फुलफिल हो सकते हैं सर? है ना, तो इसलिए मैं आगे स्लाइड पर लिखूंगा इससे लिखा है, बट इज दिस पॉसिबल टूडे, और क्वेश्चन मार्क से दिया हुआ है। हमारे होता क्या मतलब है कि हमारी इनकम होती है छोटी, हमारे ड्रीम्स होते हैं बड़े, और उसमें हम क्या करते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। तो बेसिकली ना आपने कभी नोटिस भी किया होगा, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, आइसक्रीम पार्लर पता है आपको, है ना। तो नॉर्मली बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता, वो सिर्फ पिक्चर देख के बताता है कि पापा मुझे ये वाला चाहिए, चाहे वो कोन भी हो सकता है, मैग्नम वाला भी हो सकता है, 80 रुपीज वाला जो उसकी प्राइसिंग है ना, तो उसको वैल्यू पता नहीं होती, उसको पिक्चर पता होता है। तो उसने जल्दी से बता दी पापा मुझे ये चाहिए, तो आपने देखा होगा शायद नोटिस भी क्या होगा, क्या वो पर्सन उनको वो चीज दिला पाते हैं? बेसिकली उसमें दो रीजन होते हैं, तो उसके पास ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज इसमें करते हैं कि उसके उतने पैसे नहीं होते, या तो बच्चे को बोलेगा कि बेटा तू छोटा खाए, क्योंकि उसका उतना पैसा नहीं है कॉम्प्रोमाइज करवा दो। एग्जैक्टली सर, आपने सही बोला, सर के लिए थोड़ा क्लैरिटी कर सकते हैं। है ना, वो पापा है ना बता नहीं पाते कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज ही करता है, वो देख ये वाली अच्छी नहीं है, गलती से वो शॉपकीपर को पूछता है कि भाई ये कितने की है, और उन्होंने बोला ना ये 80 to 100 rupees की है, तो वो बोलते हैं ये कोई नहीं है इसलिए, या तो फिर कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। तो लाइफ में ये ना हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं, है ना। पहले हमने किया था, आज आप हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, सर तो आगे जाके ये नहीं करना है, तो उसके लिए हम देख लीजिए क्या है ठीक है। और दूसरा मैं बता सकता हूँ, मॉल में कितने लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए? अच्छा लगता है मॉल में घूमना फिरना, है ना, एक्सीडेंट वगैरह होता है, ऑटोमेटिकली आंख पर नीचे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, और गलती से किसी बच्चे को खिलौना पसंद आ जाए, है ना। तो सच बताना सर, दिल पे हाथ रख के, शायद आपने आपके साथ भी हुआ होगा या आपने देखा भी होगा, एक बच्चा भाग के जाता है किसी खिलौने की दुकान में और पापा को बोलते पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, है ना। तो सच बताना, उस उन जो पापा होते ना उनके बच्चे के, उन पे खिलौने पे नजर जाती है या किस पर नजर जाती है? ऑब्वियसली प्राइस टैग पे नजर जाती है, और जब मान लीजिए वो प्राइस टैग 4000 की हो, है ना, तो क्या वो खिलौना कभी उस बच्चे को दिला पाते हैं? वो कुछ ना कुछ रीजन बताते हैं कि बेटा ये अगली बार दे देंगे, ये अगली बार वाला डायलॉग बहुत फेमस है, अगली बार दे देंगे, लेकिन क्या वो सच बताना क्या वो अगली बार अपने लाइफ में कभी आया नहीं ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम जो हमारे बच्चों को देते हैं ना रिटर्न में, हमको वही मिलता है, क्योंकि विवेक सर एक बात बोलते हैं कि हम जब कर्म करते हैं ना तो हमको रिटर्न में मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, वही पर्सन अगर बूढ़ा हो जाता है और उसके चश्मे की काच अगर छिंक रही है और उसको पेपर पढ़ना है, तो उसी बच्चे को वो बोलते हैं कि बेटा मुझे चश्मे की काच, मुझे चश्मा चाहिए था यार, तो बेटा क्या बोलेगा पापा अगले वक्त, है ना, क्योंकि ये सब चीजें किन्होंने दे दी, उन्होंने भी दी ठीक है। स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन क्या देखेंगे कि ये सब हमने देखा है, 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, है ना, तो मान लीजिए 10 रुपए में घर चलता था, तभी उनकी जो मतलब फैमिली होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, है ना, हम तो हमारे 12-14-15 है ना ठीक है। उसके बाद हुआ 20 साल के बाद 1960 में और 1 0 बढ़ा, उसके बाद हमने देखा होगा लड़किया जैसे जैसे मतलब बढ़ते जा रही है, 1-0 बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आप यहाँ पर आ गए 2000 में भी हमने देखा है, यहाँ पर बहुत सारे 2000 में लोग हैं, जिन्होंने 2000 को भी देखा है, तो महंगाई 10,000 में घर चलता था सर, है ना, बहुत बड़ी मुश्किल से चलता था। तो 2020 क्या आएगा, तो कितना भी कुछ कर लो 1-0 आप कम कर सकते हो बढ़ने से नहीं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली सर, इनकम बढ़ानी पड़ेगी या ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन जॉब करने से, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे की कर रहे हो? 12 घंटे, है ना। लेकिन क्या वो यहाँ पर अगर 1-0 बढ़ता है तो क्या 1,00,000 रुपए हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना, तो इम्पॉसिबल है। तो आगे देखेंगे स्टडीज ऑफ फैक्ट क्या बताता है कि जो भी जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उनकी इंक्रीमेंट होती है 3% से, और महंगाई बढ़ती है 7.5% से, है ना। उसी तरह के हम देखेंगे कि
आज बड़ी बड़ी से किसी कंपनी है, जेट एयरवेज है, महिंद्रा है, महिंद्रा है, तो वहां से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पेपर न्यूज में आपने देखा होगा कि वहां पर लोगों को मतलब कम करते जा रहे हैं जॉब से, है ना। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। तो आप कोई बोल सकता नहीं कि मेरा जॉब सिक्योर है। अभी जेट एयरवेज का ही ले लीजिए, जेट एयरवेज में अभी जिन्होंने जिनके कुछ ड्रीम्स होंगे, जिन्होंने किसी ने कुछ लोन लिया होगा घर के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लिया होगा, तो आप उनके बारे में सोचिए। जब उनको बोला जाए रातों रात कि कल से आपको काम पर नहीं आना, तो सोचिए थोड़ा उनके बारे में। एक दो लोगों को 5 से 6,000 लोगों को घर पे बिठाया जा रहा है एट ए टाइम, माइंड में मेरा जो फिगर है और भी बढ़ सकता है उसमें, तो ये होता है, हो रहा है अभी आजकल। तो हम हमारा जो बोल सकते कि मेरा जॉब सिक्योर है करके, आगे जाके देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रोइंग स्लोअर देन एजुकेशन पॉपुलेशन। मैम आप अभी ग्रेजुएशन आपको कम्प्लीट हुआ या आप पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, वेरी गुड। तो आपको पता है एक साल में अगर मैं किसी से बोलूँ कि ग्रेजुएशन होकर बच्चे कितने पास आउट होकर निकलते हैं साल में, आपको आइडिया है कुछ फिगर? लाखों बच्चे पास आउट होकर बाहर निकलते हैं, ठीक है। अभी जिन्होंने पास आउट करके निकले उनको जॉब है अभी, है ना। मैंने खुद जब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, तो एमबीए को मैंने ट्रेन कर रहा था, मैं एमबीए में अंडर में ट्रेन हो रहे थे, उनको तभी प्रेजेंट सैलरी थी 6,000 to 7,000 एमबीए स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हो कितना स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है। तो अभी ये बच्चे जो पढ़ेंगे, हमारे भी बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो क्या उनको जॉब मिल सकती है, एक क्वेश्चन मार्क है। आगे देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। कितने लोगों के पास है? नहीं इसीलिए तो यहाँ बैठे, कोई बात नहीं। बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल हो भी, मान लीजिए आपके पास 1 CR है अभी, तो आपके पास उसके लिए जगह फिर होते ना, स्टाफ वगैरह होना चाहिए, है ना, स्टाफ भी होना चाहिए। उसी के साथ आपको बिजनेस का नॉलेज भी होना जरूरी होता है ना। अगर नॉलेज ही नहीं होगा, आपके पास स्टाफ है, पैसा है, स्टाफ है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं उस बिजनेस का। उसके बाद आती है टाइम। अगर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, मुझे बताइए आपको 1,00,000 कमाना है तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर देखेंगे बिजनेस अगर करने के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड ये करता है कि वो बिजनेस कौन सा करने वाला है और उसका प्रॉफिट क्या है और इसका इनकम क्या है। मार्केटिंग उसको उसके हिसाब से उसको पहले तय करना पड़ेगा। जो भी कोई भी बिजनेस अगर मान लीजिए मिनिमम 5 लाख 10 लाख तक, तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम तो 5 से 10 लाख होती है। अगर मान लीजिए मुझे 1,00,000 कमाना है, तो 10 लाख मिनिमम मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेगा, या 10 लाख कमाने तो 1 CR तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर क्या होती है, रिस्क है ना। तो आप बता नहीं सकते हो कि मेरा जो बिजनेस में करने जा रहा है वो सिक्योर है, क्योंकि आज ज्यादा नाम देख रहे हैं यहाँ पर। आपने नीचे से आए होंगे तो साड़ियों की दुकान बहुत है, तो कॉम्पिटिशन बहुत है यहाँ पर, है ना। तो कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर देता है, तो पूरे कस्टमर वहां पर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आगे देखिए आप, रिस्क भी बहुत है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एक्चुअली? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो नए लोग स्पेशली? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने कभी सुना है सर? सर आइडियली मतलब इसमें ऐसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब ऐसे कि अभी जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे कि मैं डायरेक्टली फेस टू फेस आपसे जाके मिल तो नहीं सकता, बट लेकिन नेटवर्किंग के थ्रू मैं वो एडवर्टाइज सबके पास पास ऑन कर सकता। ओके मैम आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैम आपको सर आपको कुछ? ओके नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत वेरी लिटिल कैपिटल में काम शुरू होता है। मिनिमम मतलब 5-10 हज़ार से इसको कर सकते हैं। आगे जाके कोई भी कर सकता है इसको। यहाँ पर आपको पूछा नहीं जाएगा कि आप कौन से कहाँ से आए हो, आपका एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता है। ग्लोबल सिस्टम मोर देन 85 कंट्रीज आज, 85 देशों में सक्सेसफुली चल रहा है। लो रिस्क हाई, मतलब लो रिस्क है, हाई प्रॉफिट है, पोटेंशियल बिजनेस है। उसके बाद प्रोवाइडिंग कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट लगने वाले प्रोडक्ट्स है हमारे पास। उसके बाद ये प्रोग्राम आज अगर आप देखोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस आया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसमें आज बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ले, और आगे जाके वो एज अ करियर उसको नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में हम देखेंगे फर्क क्या है। अभी यहाँ पर कोई भी कंपनी आपके पास घर में, आपके पास जो भी प्रोडक्ट आता है घर में, वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, है ना, सही है। तो आप जो भी प्रोडक्ट आते हो, ऑब्वियसली आप कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर बनाना होगा ना, जो आपके घर में प्रोडक्ट आता है, आप यहाँ पर कंज्यूमर है, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट बनाता है, तो आप प्रोडक्ट कहाँ पर कहाँ से लेते हो बेसिकली? रिटेलर से लेते हैं, शॉपकीपर मतलब रिटेलर होता है, वो रिटेलर लेता है होलसेलर कंपनी के पास। और एक यहाँ पर आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट होती है ना। मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है।
बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो आज बच्चन साहब क्या बोलते हैं, बच्चन सर कि आपने देखा होगा ठंडा ठंडा नवरत्न देवी है ना, और मालिश भी करते हैं है ना, अच्छा लगता है देखने में भी। मुझे बताइए उनका एक्चुअली प्रोफेशन क्या है? मतलब एक्टिंग उनका प्रोफेशन है, लेकिन उनको भी पता है कि पार्ट टाइम काम करने से इनकम ज्यादा मिलती है। तो आप शायद देखते होंगे वो पिक्चर्स में कम एड में ज्यादा दिखते हैं। विराट कोहली को जानते सर आप लोग है ना, सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली। तो विराट कोहली सर का एक्चुअली प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, लेकिन वो क्रिकेट में कम और क्योंकि एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर कभी आप और हम लोग दिख सकते हैं? मे बी 99% आपको उसके लिए सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा है ना। तो यही मौका आपको वेस्टइंडीज देती है, हमारी जो कंपनी में आकर बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं यहाँ के बात करता हूँ, यहाँ पर होता क्या बेसिकली कि यहाँ पर कोई भी चीज 40 रुपीज में बनती है, वो यहाँ से आते आते आपके पास आती है 100 रुपीज में ठीक है। आप उसके लिए 100 रुपीज पे करते हो। कस्टमर को हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में क्या बताते, तो कस्टमर दस्त करके है ना, तो इनडायरेक्टली हमारा ये वैल्यू हो गया है ना। तो वेस्टइंडीज क्या कहती है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग खुद कंपनी बना के देती है, आपको दो बेनिफिट देती है, आइदर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो या कंज्यूमर बन सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप उसका बिजनेस को लोगों को एक्सपांड कर सकते हो प्रोडक्ट यूज करके ठीक है, और आप कंज्यूमर हैप्पी कंज्यूमर भी बन सकते हो। अगर यहाँ की बात करो तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है हमारे ठीक है। हाउ शुड वी चूज द राइट कंपनी? तो सबसे पहले उसके मैनेजमेंट देखनी जरूरी है कि मैनेजमेंट का क्या कितना अनुभव है, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे है, प्लान कैसा है कंपनी का, और उसके बाद सिस्टम, कंपनी सिस्टम किस तरीके से काम करती है। तो आगे देखेंगे कंपनी का नाम बहुत प्राउडफुल हो रहा है, कंपनी का नाम बताते हुए, कंपनी का नाम वेस्टइंडीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी लगभग 2004 जैसा कि यहाँ पर लिखा है 2004 से शुरू हुई है। अगर मैं बात करूँ ये 2004 और आज 2019 चल रहा है ना, तो इन 15 सालों में कंपनी का अगर मैं बात करूं, मोर देन 1,40,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया है ना। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। 2,500 ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे शॉपिंग है, 300+ मोर देन प्रोडक्ट्स है। इंटरनेशनल प्रेजेंस अगर मैं बात करूं, एक पहली इंडियन कंपनी जिसके ऑलरेडी ब्रांचेस यूएई, नेपाल, बहरीन और बांग्लादेश में है ना? तो हम बहुत सिक्योर कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं और ग्रोइंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी का विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव देयर इकोनॉमिकल लाइफ ठीक है, इंडिपेंडेंटली, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता से उनको जीने के लिए ये बिजनेस उसका एक्चुअली कंपनी का विजन है। मिशन क्या है कि टू ग्रो टू द ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क, एक बेंचमार्क सेट करना है उनको ठीक है, कंपनी को उनका मिशन है। बिजनेस का एडवांटेज क्या है कि लो फाइनेंशियल रिस्क है, वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इनकम स्टेबिलिटी है, उसके बाद हाई रिटर्न्स है, रिलायबल है, प्रॉफिटेबल है, ग्रेट इंसेंटिव और एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स है। ऐसी ट्रेनिंग्स आपको लगभग कंपनी प्रोवाइड करती है मोर देन 2,500 ठीक है। यह मिस्टर फाउंडर उनका नाम है मिस्टर गौतम बाली ठीक है। गौतम बाली जी का अगर मैं बात करूँ, उनका कहना है कि फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कोई भी काम कर सकते हो ठीक है। बाली सर की मैं बात करूँ तो लगभग इनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है ठीक है। इनके साथ और भी एक दो जेंटलमैन है मिस्टर दीपक सिंह सर और कन्वर्जिंग सर, इनका ऐसा कहना है कि ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, अगर आप सपने देखते हो तो उसको पूरा करने में वो आपका हेल्प करते हैं ठीक है। और लगभग मैं दीपक सर की बात करूँ तो मार्केटिंग हेड है, सेल्स मार्केटिंग हेड है, और कन्वर्जिंग सर की बात करूँ तो वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं ठीक है। कंपनी की ग्रोथ भी देखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कंपनी शुरू हुई थी 2004-05 से। आप मेरे साथ में हो? यस तो नहीं रहे आवाज से एब्सोल्युटली 2004-05 में कंपनी का अगर ग्रोथ देखू तो 5 करोड़ का था कंपनी का ग्रोथ एक साल में। तभी बाली सर ने एक विजन देखा था कि 2017-18 में कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1,000 CR होगा, लेकिन कितना हुआ? 1,050। और उसके बाद मतलब 14 साल लगे 1,000 करोड़ करने के लिए, और एक साल में क्या पॉसिबल था 2,000 करोड़ करना? लेकिन क्योंकि बाली सर का विजन बहुत बड़ा है, उन्होंने विजन देखा 2000, लेकिन 2000 में हो पाया 1,850 करोड़ हुआ। अगर आप उसका ग्रोथ रेट देखोगे तो 79% से ग्रो कर रही है कंपनी, कंपनी तो ग्रो कर ही रही लेकिन उसी के साथ उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ग्रो कर रहे हैं ठीक है।
और इंडिया की अगर मैं बात करूं कि अगर जैसे अभी मैं टर्नओवर की बात करूं तो इंडिया की फर्स्ट ऐसी इंडियन कंपनी जिनका जो टर्नओवर है 85 करोड़ का, ठीक है। अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो अफोर्डेबल इनोवेटिव नेशनल हाई रेंज के प्रोडक्ट है, हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट है, प्रॉफिट बेस्ड प्रोडक्ट है, ट्रू वैल्यू फॉर मनी है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे या परचेस करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश बद्दी में, ठीक है, $75 स्क्वायर फीट में कंपनी खुद प्रोडक्शन बनाती है और हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है। हालांकि जीएमपी आईएसओ सर्टिफिकेट और एचईसी भी हमारे पास है और भी हमारे जैसे बोलो ना कि कैप में और भी फेदर लगे जैसे सर्टिफिकेशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेल्थ फूड और डाइट्री सप्लीमेंट के एसोसिएशन मेंबर है, उसके बाद मिस्टर गौतम बाली सर को 2012 में बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेट रिकग्निशन, अगर मैं बात करूँ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रिजर्व जैसे ना पहली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में 15 साल में टॉप 100 में जाना, वर्ल्ड के टॉप 100 में जाना पॉसिबल और इजी है नहीं ना, लेकिन इन्होंने करके बताया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे वेस्टीज तक जब उन्होंने 1000 CR ग्रोथ किया था तो 92nd रैंक में थी और अभी 85th किया तो CR तो अभी 63rd रैंक पर है, तो इसके लिए क्लैपिंग बननी चाहिए। और आगे जाके बालीसर का एक ड्रीम है कि इंडिया की नंबर वन कंपनी बनना है वर्ल्ड में, ठीक है। वेस्ट यूनिवर्सिटी में अगर हमें अवार्ड दे, एबीपी लोग माजा न्यूज चैनल पता है आपको, एबीपी लोग माजा न्यूज चैनल है ना, तो उनकी तरफ से हमको यहाँ पर 2017-18 में रिकग्नाइज किया गया है अवार्ड से। IPC कॉर्पोरेट अवार्ड भी हमको मिला है और सर्टिफिकेट एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क वो भी मिला है हमको। अवार्ड प्रोडक्ट्स ओवर भी हम देखेंगे हेल्थ केयर है ना, ज्यादातर आज लोग हेल्थ से इफेक्टेड है ना, यस और नो? यस। अभी मुझे बताइए पहले होता था डायबिटिक है ना, तो पहले हम सोचते थे कि डायबिटीज किस दिन की एक बीमारी है, सॉरी बड़े लोग अमीर लोग अमीर लोगों की बीमारी है डायबिटिक है ना, लेकिन आज वो दरवाजे ठोकते पूछते कि हमारे घर में खा अमीर हो गया गरीब हो नहीं ना, डायबिटीज को किसको भी हो जाता है, प्री डायबिटिक बच्चे हम पैदा हो गए आजकल है ना। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को हार्ट का भी इश्यूज है, तो ये क्यों हो रहा है आपको आप बता सके कि कोई नए लोग स्पेशली हमारा जो फूड है सर जो हम उसको डेली बेसिस में जो शो कर रहे हैं में क्या सर और सर थोड़े जो केमिकल है सही है सर की लेवल क्या कर सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आप ज्यादातर जो है जो आप जो खाना खा रहे हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं ना वो ज्यादातर केमिकल है ना, तो उसकी वजह से सब बीमारी ज्यादातर अभी हो रही है इफेक्ट हो रही है। तो कंपनी ने क्या क्या हेल्थ फूड सप्लीमेंट बनाए जो आपको अगर मैं बात करूँ स्कूल में तो सब गए हुए गए हुए नहीं गए, वेरी गुड। तो आपने पुलिस का पेपर पे एग्जाम लिखा होगा पहले दो पेज पर, उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा और भी लिखना है तो आपको क्या लेना पड़ता था देना पड़ता था, उसके बाद लिखने के बाद आप पास हो सकते थे है ना, आपको अगर ज्यादा नंबर चाहिए तो उसी तरीके से हमारे जो खाने में से हमको नहीं मिल पाता तो हमको ये फूड सप्लीमेंट इंटेक करने इसको हमारे बॉडी में जो कुछ रिक्वायरमेंट हो फुलफिल हो सके। अगर बात करूँ हेल्थ केयर में तो हेल्थ केयर प्रो कार्ड, उसके बाद डायसेमिक केयर जॉइंट एंड बोन्स इम्यूनिटी बूस्ट डिटॉक्स फूड पैच फिटनेस एंड डाइट और वुमेन्स हेल्थ है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर। स्पेशली मैं अगर मैं बात करूँ तो आज मैं इस बिजनेस में इसलिए हूँ क्योंकि ये जो दो मैजिकल प्रोडक्ट है इसकी बात करूंगा कैल्शियम और ग्लूकोज में है, ये वो प्रोडक्ट है जिन्होंने मेरे मम्मी को ठीक किया था और मेरी सोच बदली थी कि अगर आपकी मम्मी ठीक हो सकती है तो आप क्यों ना कितने लोगों को बताइए और उनका जीवन में हेल्प कर सकते हो, तो ये तो मैजिकल प्रोडक्ट है इसकी वजह से इस बिजनेस में हूँ मैं। पर्सनल केयर की मैं बात करूँ हेयर केयर फेस केयर और बॉडी केयर, अभी हमारे जो फूड सप्लीमेंट है वो हमको अंदर से ठीक करेंगे, ठीक है, तो अंदर से ठीक होंगे तो बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। ज्यादातर लोग करते क्या है कि बाहर जाते मतलब मेकअप करते ज्यादातर बाहर गड़बड़ी अक्सर अंदर होती है ना, तो लेकिन वो करते हैं मेकअप कोई बात नहीं। हेयर केयर फेस केयर और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो पैराबेन फ्री है, उसके अलावा और भी रेंजेस है रेंज भी है, हेल्थ फूड है, ओरल केयर है, फिर उसके बाद आयुषान की ट्रूमैन स्किन फॉर्मुला है, हाईवेज और विस्टारो प्लम है ना, कॉस्मेटिक भी है हमारे पास प्रोडक्ट में। ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ तो एयर प्यूरीफायर जिसकी वजह से ट्रेनिंग होती है, एयर प्यूरीफायर वहां पर एक्चुअली दिया जाता है जहाँ पर घर में छोटे बच्चे हो है ना, कोई पेशेंट कैटेगरी हो या हर किसी के लिए नीडफुल है, क्योंकि आपने अभी दिल्ली का न्यूज देखा होगा बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है
है ना, तो आगे जाके वो इंडिया में मुंबई में भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें इसको प्रिकॉशन के तौर पर हमारे घर पर लेना है वाटर प्योरीफायर। तीन चीजें हमेशा पॉल्यूटेड होती है, हवा, पानी और कूड़ा जो हम खाते हैं। तो वेस्टिज की अगर मैं बात करूँ, कंपनी ने वो तीनों चीजें बनाई है। फूड सप्लीमेंट आपके ओवरऑल बॉडी को ठीक रखेगी, एयर प्योरीफायर आपको फ्रेश एयर देगी और आपको वाटर मतलब वो भी प्योर मिलेगा, ठीक है। हमने अभी देखा सब, जैसे अगर कंपनी के बारे में बात की तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, उसके बाद हम देखेंगे इसका फोर्थ मार्केटिंग बोनस का, है ना। मिनिमम हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं है ना, कहीं ना कहीं से आते होंगे, और अगर महीने की मैं बात करूँ तो कितने के आते होंगे सर अप्रोक्सीमेटली? ओवरऑल अगर देखेंगे तो सर अगर बाय करेंगे तो उसमें 4-5000 सर आपके घर में आते उतने, मैं आपके घर में बात करूँ उतने ही आते। तो हमें भी यहाँ से हमारे जितने लगने वाले जो प्रोडक्ट्स है घर में यूजेबल प्रोडक्ट, वो यहाँ से परचेस करके हम बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। ये फोरफोर्ट बोनस मार्केटिंग प्लान है। एक्यूमुलेटिव प्लान, एक्यूमुलेटिव प्लान का मतलब क्या, ये एड ऑन होते रहता है ना, जुड़ते जाते हैं। उसके बाद कोई भी प्रमोशन नो डिमोशन है, आपका सिर्फ प्रमोशन होगा, डिमोशन नहीं होगा। लेवल इज जीरो, नो रिक्वालिफिकेशन है, वन टाइम अचीवमेंट है, नो रिन्यूअल है इसमें। और अगर मैं बात करूँ इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी है, अगर ये सेंटेंस के अगर मैं अगर पूछूंगा मैम इसका मीनिंग क्या होगा, इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी का मतलब लगभग लगभग आप गरीब है प्लान इस तरीके से इंजीनियर की हुआ है कि आपको वेल्दी बनाएगा, ठीक है। अगर आपको इस सिस्टम से चलेंगे तब तो ही जैसे हम इसको स्टार्टअप करते हैं प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो हमें जो मैं बात करूँ उसको 7 टाइप ऑफ इनकम आती है, सेविंग ऑन कंजम्पशन, ठीक है। हम अभी भी प्रोडक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से, है ना, तो आपको वहां से कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलते होगा, आपको रिटेलर देना होगा आपको बेनिफिट मोर देन 2%, 1% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ से आप कंज्यूम करेंगे तो आपको 10-20% बेनिफिट मिलेगा। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आपको 5-20% मिलेगा। डायरेक्ट बोनस की मैं बात करूँ तो कंपनी टर्नओवर होता है उसका 40% आपको अलग से मिलेगा। लीडरशिप और राइडिंग बोनस 15% और ट्रैवल फंड 3%। मैम आपका छोटा सा डील था घूमना फिरना, तो ट्रैवल फंड भी कंपनी यहाँ पर देती है। कार किसी को पसंद है तो कार भी मिलती है, और सर आपका हाउस फंड है तो कंपनी हाउस फंड भी देती है। तो किस तरीके से देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रिटेल प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ तो कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लाते हैं एमआरपी पे लाते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, है ना। तो यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट हम 300 का लेते हैं तो हमको कितने में मिलता है यहाँ पर 250 में, तो रिटेल प्रॉफिट हमको कितना बेनिफिट मिला 50 रुपीज का। अभी मान लीजिए आपने प्रोडक्ट परचेस किया, आपके 50 रुपीज सेविंग हुए और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो क्या आप उसको शेयर करना पसंद करेंगे? यस। तो अगर शेयर करने से आपके घर में इनकम आ सकती है तो आपको अच्छा लगेगा, बस तो यही है, ये वही है। शेयर करने से आपकी इनकम रिटेल प्रॉफिट हो सकती है। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से काम होता है कि जैसे आप इसमें एंटर होते हो तो 1 PV से लेके अगर मैं बात करूँ 5-8 PV होता है तो आपको 5% आपकी इनकम आपको अलग से मिलती है। 5-20% कंपनी ने इसको बांटा है, एक स्टेज से हम देखेंगे स्टेप स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहले महीने में 2500 का आपका, ये मान लीजिए आपने प्रोडक्ट परचेस किए आपके इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। पीवी की मैं बात करूंगा तो यहाँ इस टेबल में अगर वो देखेंगे तो कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर टेबल दिख रहा है सर आपको क्लियर? तो ये टेबल में देखिए 2500 कहाँ पर है, 11% पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 2500 के 11% निकलेंगे तो कितना होगा 4950। अगर मुझे बताइए आपने अकेले ने परचेस किया होगा तो 4950 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट यूज किए और आपने शेयर किए प्रोडक्ट अपने फैमिली फ्रेंड्स में, तो मान लीजिए उन्होंने भी एसोसिएट हुए यहाँ पर अपने साथ, तो उनको उसमें से कुछ ना कुछ बटकर जो बचेगा वो आपको मिल जाएगा, तो अच्छा लगेगा सर, है ना। तो आपके वजह से उनको भी घर में इनकम आई, है ना। तो वैसे मान लीजिए जॉब करने वाले उसी अगले महीने में जॉब उतना ही करेंगे तो आपको उतना इनकम आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है सर, अगर 2500 का उतना ही परचेसिंग अगले महीने में होता है तो आपको उतना ही इनकम मिलना चाहिए, नहीं आपको उतना ही इनकम मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो काम तो उतना ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है, एक्यूमुलेटिव होता है। 2500 और 2500 कितना हुआ
5000 अगर मैं बात करूँ तो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर 14% में आता है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने 2500 पे आपको ऑलरेडी 11% दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये 2500 पे आपको 6300 इनकम जनरेट होती है, मतलब काम आप उतना ही कर रहे हैं और इनकम बढ़ते जा रही है। उसी तरीके से उसके बाद 2600 हो गया, 5000 2600 17% हो जाता है, इनकम आपकी 7956 हो गई है, फिर जो एक्टिविटी होते होते वही इनकम देखिए, आपने शुरुआत तो 2500 में की थी है ना, आपकी इनकम थी 4950 और अभी यहाँ पर आपकी इनकम कितनी हुई 9000, तो ये बहुत अच्छा प्लान है ना। और इसमें भी कंपनी ने क्या किया कि मान लीजिए किसी को फास्ट काम करना पसंद है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 501 करेंगे तो आप यहाँ पर 8% पर आते हो, लेकिन कंपनी का ऐसा मानना है कि आप किसी भी महीने में 282 की भी करेंगे तो कंपनी आपको रिकग्नाइज 8% से करेंगी, ठीक है, एज अ फास्ट ट्रैक 8% आपको रिकग्नाइज करेगी। और डायरेक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए 10,000 करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप 7501 करेंगे सिंगल मंथ में तो आपको ब्राउन डायरेक्टर मिलेगी, कंपनी अगर रिकग्नाइज करती है, और उस महीने का आपका जो पे आउट होता है वो ज्यादा नहीं होगा 25,000 to 30,000 होगा, अच्छा लगेगा सब में 25,000 to 30,000 मुझे आपको देखे तो लगे आप गैप नहीं कर रहे। डायरेक्टर बोनस कंपनी टर्नओवर से हमको मिलता है, अगर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, पार्टिसिपेशन दीजिए प्लीज, क्योंकि क्या है क्योंकि मतलब अभी मैं अकेला बोलने जाऊंगा तो यस, तो कहने का मतलब अभी मान लीजिए कंपनी का टर्न ओवर 1 crore, 1 crore कंपनी का टर्न ओवर हुआ है तो उसके 14% कितने मिलेंगे 14 lakh हो गए। अभी ये 14 lakh किनको मिलेंगे, जिन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया हुआ है और जिन्होंने जैसे जैसे काम किया है उनको वैसे वैसे वो डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टर बोनस लीडरशिप ऑरिएंटेड बोनस और एक कंपनी देती है जो होता है 15%, ठीक है, ये बहुत बड़ा बोनस होता है। अगर मैं मान लीजिए वेस्टिंग में अगर किसी की 1 lakh रुपए की इनकम है तो 60,000 उनका लीडरशिप ऑरिएंटेड बोनस होता है। लीडरशिप ऑरिएंटेड बोनस का मतलब क्या होता है कि आपके दूसरे लोगों को सफल बनाते हो, उनको सक्सेस करते हो, तो अगर आपने उनको सक्सेसफुल बनाया तो आप भी सक्सेसफुल बनोगे, तो ये उसी का एक बोनस मिलता है ना। बेसिकली जॉब में होता क्या है, अगर आप सक्सेसफुल बन गए तो आपके कलीग को अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा सर, कि आपके जो पीछे आए हुए लोग होते हैं जब आप उनके लिए काम करते हो तो आपको उनके लिए जो फीलिंग होती है ना वो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि आपका हमेशा फोकस वो होता है कि उनके घर में पैसा जाए, उनके घर में रुपया जाए है ना, और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, तो जब उनके घर में जाएगा तो सर हमारे घर में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जाएगा, तो ये आपको 15% कंपनी लीडरशिप ऑलरेडी मोनस देती है। ट्रैवल फंड मैम कहने का मतलब ये है कि ट्रैवल फंड नॉर्मली बेसिकली हमको ट्रैवल फंड जॉब में मिलता है नहीं मिलता है ट्रैवल फंड और सॉरी टू से मतलब कहने का मतलब चर्च की टू विराट ऐसा हो रहा है नॉर्मली जॉब में जॉब की बात कर रहा हूँ नॉर्मली मिलता है अच्छा तो वैसे तो भी ट्रैवल फंड मिलता है लेकिन वहां के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपना प्रोडक्ट आपने यूज किया आपको अच्छे लगे प्रोडक्ट ठीक है आपको अच्छे लगे तो आपने ऑब्वियसली लोगों को शेयर किए होंगे तो शेयर करते करते एक्टिविटी होते होते कभी ना कभी आपके जो 1% है वो 20% पे आएंगे एक्टिविटी होते होते अकाउंट होते होते है ना। तो उन्होंने ये 2001 क्रिएट कर दिया अपने ग्रुप से और बाकी के जो आपके फ्रेंड्स है उन्होंने 1801 क्रिएट किया और ये आपने एक बार कर दिया तो एज ए सिल्वर डायरेक्टर की आपकी लेवल होती है और ट्रैवल फंड आपको 3% मिलेगा कंपनी टर्न ओवर में से। तो ये ट्रैवल फंड आपको कब तक मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेगा अच्छा लगेगा। और मुझे इसके अभी ट्रैवल फंड है तो बात है मेरी खुद की मुझे पता भी नहीं था दिल्ली में था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते हुए मैं ये कर रहा था तो 18 month में ना मैंने थाईलैंड के लिए क्वालिफाई किया था थाईलैंड के लिए तो बहुत एक्साइटेड था थाईलैंड जाएंगे तो उस खुशी में ना मैंने पासपोर्ट भी देखा मतलब ये नहीं ध्यान नहीं दिया मैंने एक्चुअली और मेरी वाइफ है उनका पासपोर्ट नहीं था तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरा पासपोर्ट था तो लकीली मैंने पासपोर्ट निकाल के देखा तो बहुत खुशी हुई क्योंकि उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी है ना। तो बहुत तकलीफ हुई तभी लेकिन खुशी की बात यह है क्योंकि कंपनी बोलती है कि आपका जो ट्रैवल फंड में जो पैसा रहता है
अभी टूर को जाके लगभग एक साल से डेढ़ साल हो गए, लेकिन आज भी वो जो पैसा फंड है वो मेरे अकाउंट ट्रैवल फंड अकाउंट में वैसे के वैसा ही है। तो ये कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट है कि आपने जो मेहनत की है वो जाया नहीं जाती है ना। तो ये कंपनी का एक्चुअली बड़प्पन है। वैसे आपका कहा था जैसे ट्रैवल फंड से लोगों को टूर किया हुआ, तो अगर हम देखेंगे स्कॉटलैंड, लंडन, हांगकांग, ताशकंद, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, ठीक है, और भी है पेरिस, बेल्जियम, रशिया, बाली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, ये वही सिल्क थी थाईलैंड वाली जिसमें मैं जाने वाला था। कोई बात नहीं, भारत बार होती है क्योंकि साल में दो बार ट्रिप होती है एशिया में, यूरोप कंट्री में, देखिए तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रैवल फंड से हम इसमें जा सकते हैं। अच्छा देखिए घूमना फिरना है ना। अभी मुझे बताइए आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया लोगों को, ठीक है, पहले आपने खुद कंज्यूम किया आपको अच्छा लगे तो अभी हम लोगों को शेयर करेंगे प्रोडक्ट, है ना, और वो करने से अगर हमको ट्रैवल फंड मिले तो अच्छा लगेगा। उसके बाद और एक फंड आता है कार फंड। हर किसी को अपने एक ड्रीम कार होगी ना कोई, किसी को लगती है कि भाई मेरे घर के बाहर एक कार होनी चाहिए, है ना। इसके मुझे बताइए ना किनको अच्छा लगता है कि अब उनकी फैमिली बस में धक्के खाते हुए जाएगी या ट्रेन से धक्के खाते हुए जाएगी, किसको अच्छा लगता है? किसी को भी। तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मेरे भी खुद की कार हो, लेकिन अभी आप जो जॉब कर रहे हैं वहां से पॉसिबल है सर, मतलब जिनकी इनकम हाई है उनको पॉसिबल हो पाता है ना, लेकिन जिनकी इनकम नहीं है उनको पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेस्टीज की वजह से पॉसिबल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज कार फंड से तो लगभग 4,500 लोगों ने अपने खुद की कार ली है इस कार फंड से, ओके, ठीक है ना। ये ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज बेंज, ठीक है, और ऐसे बड़े बड़े बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी है। तो मुझे बताइए चाय जो हम नॉर्मल यूज करते हैं ना, चाय साबुन पेस्ट जो यूज करते हैं घर में, वो हमको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है, वेस्टेज से लेना है। अगर उसको यूज करके उसको आगे बताना है लोगों को, और वो बताने से आपके घर में अगर इनकम आएगी और इनकम के साथ कार भी आएगी तो अच्छा लगेगा, yes. है ना, और आपकी ड्रीम कार आप परचेस कर सकते हो यहाँ से। ये है कुछ कोई कारण, कुछ कारण जगह से इनके लिए जोरदार ताली हो गई। इन्होंने वो प्रूफ करके बताया कि कार ली जाती है। ये मिस्टर नितिन मराठे बिजनेस ओनर थे, एक टाइम उनका था दादर से बिलोंग करते, दादर में इनका डीएलसीपी है, पहले इनका ना बिजनेस हुआ करता था, ये बिजनेस करते करते होते ना अकाउंट में पैसे आते थे लेकिन वो सिर्फ बैलेंस शीट पे दिखते थे लेकिन अकाउंट में नहीं आते थे। तो वो सिचुएशन थी, रातों रात इन्होंने बिजनेस को शट डाउन कर दिया, जीरोलाइज किया खुद को, बिजनेस को सीखना शुरू किया। 15 साल की जो इनकी इनकम थी लगभग वहां से 15 मतलब लगभग उन्होंने 15 महीने में वो अचीव किया एक साल में लगभग, और क्रेटा का 15 मंथ्स में उन्होंने यहाँ से अचीव किया एक्चुअली 15 लाख की कार है। मिस्टर तुकाराम पाटिल सर एक यहाँ पर लिखा है वेजिटेबल वेंडर, एक सब्जी बेचने वाला। मुझे बताइए ना कि एक सब्जी बेचने वाला कभी उसे खुद की कार हो सकती है? लेकिन यहाँ से पॉसिबल है। 3 साल लगभग तुकाराम पाटिल सर ने यहाँ से पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया, पहले अलग अलग कंपनीज में काम कर चुके थे, तो वाइफ के जो ऑर्नामेंट्स है वो लगभग उन्होंने मतलब गिरवी रख चुके थे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वेस्टीज उनके लाइफ में आया, उन्होंने आज पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना शुरू किया, और आज बहुत प्राउड फील हो रहा है तुकाराम पाटिल सर के लिए, क्योंकि आज उनकी पर मंथ की इनकम की बात करो तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम है एक सब्जी बेचने वाले। सर इंश्योरेंस एडवाइजर आपने देखा होगा, इंश्योरेंस में भी बहुत चेंजेस आते हैं, नॉर्म चेंज होते हैं, जिस तरह से आज लगभग 5 फिगर इनकम है सर की भी, और ये जैसे सेलर ऑफ कार है उनकी, ये उन्होंने 2 महीने पहले ही परचेस की है। विवेक कुमार सक्सेना द मैजिकल मैन, इनके लिए जोरदार ताली। एट द एज ऑफ 19-20 किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले तो कैसे लगेगा? गवर्नमेंट जॉब मिले 19-20 साल की एज में, है ना, तो आपको कैसा लगेगा सर? ये क्वेश्चन सबके लिए अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट जॉब मिले एट द एज ऑफ 19-20 तो अच्छा लगेगा ना ऑब्वियसली, है ना, तो फैमिली मेंबर्स भी आपको बोलेंगे यार लल्ला को गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो विवेक सर को लगभग बोले ना कि घर में इन्विटेशन मिलने लगा हमारे घर पे खाना खाने के लिए आइएगा, फिर कुछ लोगों ने बोला उनको बोला कि हमारी बेटी करेंगे क्या, है ना, इस तरीके से उनको ऑफर्स आना शुरू हो गए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर सबको पता थी। उन्होंने कुछ साल काम किया वो गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन वो तब सेटिस्फेक्शन नहीं थे वहां से, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनका डिसीजन था कि मुझे फुल टाइम
नेटवर्क मार्केटिंग करना है और उन्होंने तय किया और उन्होंने डिसीजन लिया गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम एज ए नेटवर्कर उन्होंने जॉब काम करना शुरू किया, तो क्या उनके जो फैमिली मेंबर्स है ना उनके दिमाग में क्या आया होगा, जो खाना खाने के लिए बुला रहे थे या जो बोल रहे थे कि हमारे लड़की करेंगे, तो उनके दिमाग में विवेक सर के लिए क्या आया होगा? पागल है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। लेकिन आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इनको जो पागल करार दिया गया, क्योंकि पागल लोग इतिहास रचते हैं, होशियार लोग तो इतिहास रचते नहीं ना, तो इनके अगर में विवेक सर आए थे 1,00,000 रूपये इनकम करने के लिए महीने की वेस्टेज में, लेकिन आज बहुत प्राउड फील हो रहा है बताते हुए क्योंकि आज विवेक सर की दिन की इनकम 1,00,000 रूपये की है। कलिंग है वो 50,000 इनकम कर रहे हैं, लेकिन विवेक सर ने वो डिसीजन लिया था, वो उनका खुद का डिसीजन था, तो आज वो स्टिक टू है उसको और आज यहाँ पर मतलब सक्सेसफुल पर्सन खड़े। विंसुरे सर भी है, यहाँ पर बिहार से जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, वहां से भी उन्होंने रिजाइन मतलब पता ना सर्विस ये दिया, रिजाइन रेजिग्नेशन लेके काम करना शुरू किया। आज रिसेंट मतलब 2 से 3 महीने पहले इन्होंने ऑडिट क्यू थी 50 लाख की परचेज की यहाँ से हेतल को लाइन के लिए जोड़ता था। इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल पर क्योंकि जितने भी वीडियोज है आपको और नॉलेज भी है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। हेतल मैम के बारे में एक बात बताऊं तो एक लीडिंग लेडीज में उनका नाम आता है, 2 बच्चों के साथ इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, उनका एक बड़ा बेटा स्पेशल है, बड़े बेटे की वजह से उन्होंने बिजनेस में आना पड़ा और उनके हेल्थ के इश्यूज की वजह से उन्होंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उनके बच्चे में वो चेंजेस आने शुरू हुए और मैडम उसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। आज एक लीडिंग लेडीज के तौर पर मैडम को जाना जाता है, एक हाउस वाइफ, कोई मर्सिडीज बेंज अचीव कर सकती है आज के दौर पे, है ना? वो तो फिलहाल सोचते ना कि अभी फिलहाल तो कांदे का भाव बढ़ा है तो लोगों को टेंशन आ जाता है, मैम को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका फोकस बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि आज हम इनको देख के इंस्पायर होते हैं, ये हम इंस्पायर करते हैं और हमको भी लगता है हम इनके जैसे बने। बात करूं तो 2 साल पहले अगर मुझे अगर सर आप जो जॉब कर रहे हैं तो जो जॉब करने वाले अगर 2 साल अगर ब्रेक ले तो फिर क्या हो सकता है सर? नौकरी से निकाल देंगे, 2 महीने अगर गैप लेंगे तो मिलेगा है ना। मैम ने सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद 2 साल का एक गैप लिया था ड्यू टू ना कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल लगातार वेस्टेज से, क्योंकि उन्होंने 3 साल जो पहले मेहनत की थी ग्राउंड वर्क किया था उसके बदौलत उनको 2 साल 6 फिगर इनकम उनके अकाउंट में आ रही थी, है ना? तो ये पावर है वेस्टेज की। दीपक नीलेश पात्रा वाला ये उनके अपलाइन में आती है, तो इनके लिए भी जोरदार पाटन से बिलोंग करते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती थी और दीपल मैम इस इंडस्ट्री में आई थी सिर्फ 1,500 रुपए की थी। दीपल नीलेश पात्रा वाला के नाम से सिर्फ 1,500 का पे आउट आना चाहिए, एक चेक आना चाहिए घर में, बस उसके लिए आई थी। लेकिन आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, 2 मर्सिडीज बेंज के कार्य अचीवर है और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज इनकी पर मंथ की इनकम लगभग 36 लाख रुपीज की है, तो आए थे कितने के लिए? 1,500 रुपए की। जब आज जिनका उनका इनकम की बात करो तो मोर देन 1,00,000 रुपीज है। सिद्धार्थ सिंह ये उनके अपलाइन में आते तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। सिद्धार्थ सिंह सर की बात करो तो आज एक टाइम एक वो दौर भी था जब सर ने वो भी दिन देखे थे, क्योंकि जब उनके पास जब वेस्टेज में आए थे तो 705 रुपए का बिल बना था और 5 रुपए ऊपर देने के लिए नहीं थे उनके पास, तो आज भी वो 5 रुपए में से बैलेंस है। लेकिन वहां से सर ने शुरू किया था, 2008 में सर ने ज्वाइनिंग की थी, आज लगभग 10 साल हो चुके सर को। अब मुझे पता है कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, है ना, तो टॉपर 2004 में होने चाहिए, है ना, लेकिन 2008 में सर ने ज्वाइन किया, सिस्टम से काम करना शुरू किया। पहले 5 साल उन्होंने कोई बर्थडे इवेंट उनका घर का जो फैमिली फंक्शन है वो उन्होंने मतलब उसको ना लेट गो कर दिया और पूरा फोकस होकर वेस्टेज पे काम किया और उसका उनको रिटर्न भी ये मिला है कि आज सिद्धार्थ सर हफ्ते में से 5 दिन अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हैं और 2 से 3 दिन वेस्टेज करते हैं। तो क्या ऐसी लाइफ आपको चाहिए? Yes. और इनकम की बात करूं तो ज्यादा नहीं सर इनकम करते हैं, बता दो
ज्यादा नहीं करते, सिर्फ 1 करोड़ उनका आईएस, अगर मैं पेओवर की बात करूं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए का उनका पेओवर है महीने का। सर आपका घर का सपना, सर आपका बंगलों का सपना, ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल आप इस तरीके से आप आपका घर बना सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, जैसे पहले आपने आपके एक फ्रेंड को यहाँ पर हेल्प की उनकी लाइफ चेंज करने के लिए, फिर आपने 2 लोगों की हेल्प की तो आपको ट्रैवल फंड के साथ कार फंड भी आना शुरू हो गया, और आपको 3 लोगों की हेल्प करनी है, 6 लोगों को जानते सर आप, ऑब्वियस के सब लोग जानते होंगे 6 लोगों को, बस उनकी लाइफ चेंज करनी है। आप उनकी लाइफ चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3% आपको हाउस फंड मिलेगा, और ये कब तक मिलेगा, लाइफ लॉन्ग, ऑब्वियसली ट्रैवल फंड, कार फंड और ये हाउस फंड है, आपको ये तीनों चीजें लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। इसके ये लाइफ लॉन्ग कैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के तौर पे, सिक्योरिटी इनकम। मुझे बताइए कोई एक्स वाई जेड फैमिली है ना, एक अर्निंग मेंबर है और अर्निंग मेंबर की इनकम है 63,000, मान लीजिए 60,000 की इनकम कर रहा है कोई जॉब करते हुए, और वो अचानक अनफॉर्चुनेटली बाय एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या आप मुझे बताइए वो फैमिली को क्या मतलब क्या होगा, क्या सफर करेंगे, वो इनकम रातों रात जीरो हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, उनको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर वाइफ है, अगर उनका बिजनेस भी है तो उसके बारे में उनको अनस्टेबल हो जाएगी पूरी फैमिली। लेकिन वेस्टइज में हुआ क्या कि चूड़ामल पाटिल सर काम कर रहे थे, ठीक है, वेस्टइज में, और उनका बेटा सागर पाटिल, इनको स्पेशली मैं सुनने के लिए सातारा गया था उनकी स्टोरी, तो सागर सर की मैं बात करूँ तो वो एक इंजीनियर रह चुके थे, तो सागर सर और चूड़ामल पाटिल सर का मतलब उन्होंने जॉब भी एक साथ काम करना शुरू किया, और चूड़ामल पाटिल सर ने वेस्टइज को भी शुरुआत किया था। तो चूड़ामल पाटिल सर ने पहले महीने का जो पे आउट आया था वो था 37 रुपीज, बहुत ज्यादा था ना, तो सागर सर ने बोला पूरा महीना काम करके 37 रुपीज अपनी इनकम दी है, क्या को कर रहे हो सब चीजें, लेकिन उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, तभी सागर सर की पहले महीने की इनकम थी वहां से, क्योंकि वो एज ए ट्रेनिंग थे, 8,000 रुपीज उनकी जॉब से इनकम आ रही थी। लगभग 3 साल के बाद सिनारियो ये था कि सागर सर की इनकम थी 18,000 रुपए और चूड़ामल पाटिल सर की यहाँ पर जो इनकम है 63,000 ये थी, है ना, लेकिन पापा ने कभी व्यक्ति को ऐसा कुछ बताया नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूड़ामल पाटिल सर का एक मीटिंग करने के लिए जा रहे थे और उनके एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो डेथ होने के बाद हुआ क्या कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, जैसे सर आपने बताया 3 महीने का तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि हमारे पापा हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बैंकिंग के काम के लिए गए थे तब उन्होंने देखा कि पापा का पासबुक एंट्री किया था, तब देखा कि इतने पैसे आए कहाँ से, पापा के अकाउंट में पैसे आए कहाँ से, तो उन्होंने बारीकी से देखा तो वेस्टइज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के वहां से उनको इनकम आ रही थी। जब चूड़ामल पाटिल सर नहीं थे, उनके एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, तो उनका अगले महीने का जो पे आउट था वो था 75,000 रुपीज का। तो क्या ये सिक्योरिटी हम और आपकी फैमिली को दे सकते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे लिए। प्रोफेशनल, ये जैसे मैं बात करूँ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल, है ना, तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर आर एम पाटिल पटेल सर भिवंडी से बिलोंग करते हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर करते हुए मतलब डॉक्टर का जो काम करते हुए इन्होंने वेस्टइज को चुना। इनका इंटेंशन ये है कि मुझे लाइफ में मतलब लोगों की लाइफ में ना परिवर्तन लाने, लोगों को हेल्प करने के तौर पर उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और उसका रिटर्न इनको ये मिला है कि अगर मैं बात करूं उनके प्रैक्टिस के खातिर जो डॉक्टरी कर रहे थे उसी के साथ इनकी इनकम यहाँ पर कितनी है 78,000 पर मंथ की, है ना, उसी के साथ वहां पर मिस्टर केतन वाडिया दिनेश वाडिया सर है, ये बिजनेसमैन रह चुके हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिजनेस का, उनका जॉब अप्लाई का भिवंडी में। अब मुझे बताइए जो पर्सन 9 बजे से रात से लेकर सवेरे से रात को 9 बजे तक बिजनेस करते हैं तो इनमें एनर्जी होगी नहीं होगी, वो कब सोचेंगे मैं घर जाओ खाना खाओ सो जाओ, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी केतन सर का विजन बहुत बड़ा था, केतन और दिनेश सर का विजन बहुत बड़ा था, 9 बजे के बाद इन्होंने अपना एक्चुअली वेस्टी एज ए बिल्डर एज आज भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे उनको जो मिलते थे उन्होंने उसको बिल्ड करना शुरू किया, और उसका रिटर्न में ये निकला कि उनकी इनकम की मैं बात करूँ तो लगभग 1.5 लाख की उनकी पर मंथ की इनकम है आज वेस्टीज से पार्ट टाइम में। आप भी लेना चाहेंगे? यस। और यहाँ पर एक मैं बात करूँ तो सानिका है, समीर डुकले है, है ना, सानिका मैम की बात करूँ तो एक हाउस वाइफ है और समीर जी है आपके सामने खड़े है, है? तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, इसको एज ए हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं,
और ये हमने जो मेरी पहली जो घर में ड्रीम बाइक है तो वो तो मैंने अचीव की थी एक्टिवा। तो पार्ट टाइम काम करते हुए हाईएस्ट इनकम की मैं बात करूँ तो 52,075 रुपीज की है, ठीक है। यूथ एम्पावर, क्योंकि अभी इंडियन यंग इंडिया बोल रहे ना, मोदी सर भी बोल रहे की यूथ, अभी यूथ यूथ ज्यादा है हमारे पास। तो शिवम गोस्वामी सर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर इनके आप यूट्यूब पे सिर्फ शिवम गोस्वामी नाम डालेंगे वो भी काफी है, लेकिन 1.5 साल पहले शिवम सर को कोई इतना लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज आलम यह है कि शिवम सर का सिर्फ नाम ही काफी है। शिवम गोस्वामी गांधी जी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस निकलेंगे, है ना। तो शिवम सर ने अपने मम्मी के लिए है ना ऑडी Q3 50 लाख की कार गिफ्ट में की है। क्या आप चाहोगे अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट करना? अच्छा लगेगा? सोचिए जब क्या प्राउड मोमेंट होगा उनके उनके नजरों में जब आप उनको एक कार गिफ्ट करोगे, है ना। एक बहुत हर किसी का ड्रीम होता है, तो शिवम सर का भी एक ड्रीम था। अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं तो लगभग 6,76,000 की उनकी पर मंथ की इनकम है आज, न बीबी न बच्चे। फिलहाल उनका एक स्लोगन है, गाड़ियां से पहले गाड़ियां जाती है और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना है उनको, ऐसा। तो ये उनके स्लोगन से। और भी यूथ है, सुरभी सिंह मैम अलाहाबाद से बिलोंग करती है, एट द एज ऑफ 24 उन्होंने काम करना शुरू किया पढ़ाई के साथ, काम करते करते। आप मुझे बताइए, पढ़ाई के साथ काम करते करते पार्ट टाइम बेसिस पे आज इनकी मंथली इनकम है 2,88,000 की, और एक ऑडी Q3 लाल कलर की चमचमाती हुई कार इन्होंने यहाँ से इस सिस्टम से ली गई। तो आप भी लेना चाहोगे? और एक है मिस्टर वेंचो गौरतना, बहुत कम उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया वेस्टिज में गवर्नमेंट जॉब के साथ पार्ट टाइम में, वेस्टिज को बिल्डअप करना शुरू किया। मंथली इनकम की बात करूँ तो 2,15,000 की इनकम है। इनकी एज ज्यादा नहीं है, 22-24 ये एज है ना। तो ये इनकम करने के लिए हमको कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी सर लगभग, जो जॉब कर रहे हैं उनकी मैं बात करूँ तो इम्पॉसिबल है ना। तो वेस्टी को पॉसिबल करके देती है, कहने का मतलब ये कि आपको लगभग इसको 5 साल देने हैं अगर आपको ये लाइफ चाहिए है। तो बिजनेस में हमारे पास ऐप भी है, अगर मैं ऐप की बात करूँ तो बिजनेस ऑन द गो के हिसाब से आपके पास ऐप भी है, तो ऐप के तौर पर आप बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेस्टी भी हमारे पास वेस्टीज है, MWW सिस्टम है। यहाँ पर वो ऐसे करोड़पति लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आप हो और यहाँ आपकी टीम है, आपको और आपकी टीम को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिशन MWW का है कि इनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके ना जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ जीना चाहते हैं, ऑर्डनरी लाइफ में फिट नहीं होना चाहते हैं। तो MWW का विजन वो है। मिशन की मैं बात करूँ कि मेक मोर मिलीनियर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम, उनको ज्यादा से ज्यादा मिलीनियर बना रहे हैं ना, बना रहे हैं और वो हैप्पीनेस उनको लाइफ में क्रिएट करना है। सर का भी कुछ दीपक और अनिल सर का मैसेज है यहाँ पर, और पर्पज इज टू सर्व कम्युनिटी अवर टीम एंड फैमिली इंस्पिरेशन, उनको लोगों को इंस्पायर करना है लोगों को, ठीक है, इनकम जनरेट करते हुए। ये पोटेंशियल दिया हुआ है कुछ, और ये एक तरीके से मैं बात करूँ कि 6 फिगर इनकम किस तरीके से आ सकती है। ये बिजनेस रिपर्चेसिंग का है FMCG प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके एंटायर टीम में 4 लोग हैं और उन 4 लोगों के नीचे 70 ऐसे लोग हैं जो परचेसिंग करें अपने घर का सामान 3,000 का, ठीक है, मोर देन 3,000, तो आपकी पर मंथ की इनकम कितनी होगी? 1,00,000 रुपीज परचेसिंग सब कर दें, है ना। तो ये हिसाब से हम पॉसिबल हो सकता है। अगर मुझे बताइए ट्रेडिशनल काम तो हमको 40 ईयर सबको जॉब जो कर रहे हैं उनको करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या जो हमको करना हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं और उसी के साथ अगर हमने वेस्टिज को ऐसे करिए थे और 5 साल कर लिया तो क्या लगता है क्या चेंजेस आ सकते हैं? जो हमने अभी देखे जो HOS है उनमें जो चेंजेस आए वो हमारे लाइफ में भी आ सकते हैं।